Hello everybody, dear friends, today I am going to teach you the use of on the occasion of, के अवसर पर, बहुत ज़्यादा ये हमारी बोलचाल में आता है, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाए? Please look, on the occasion of मतलब होता है के अवसर पर. लुक वेरी केयरफुली, दीपावली के अवसर पर मैंने बहुत से पटाखे खरीदे. तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, पहले दीपावली के अवसर पर इसको पहले निकाल लेंगे, इस टुकड़े को हम पहले निकाल लेंगे, तो सेंटेंस आपका छोटा बन जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसको ट्रांसलेशन बनाने में. देखिए, दीपावली के अवसर पर, ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली, मैंने बहुत से पटाखे खरीदे. तो ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली आई बॉट, मैंने खरीदे मैनी क्रैकर्स. इट इज पास्ट इंडेफिनिट, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड सेकंड फॉर्म. नाउ द सेकंड एग्जांपल इज, मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे सारे मित्रों ने उपहार दिए या दिया. ऑन द ओकेजन ऑफ माई बर्थडे माई ऑल फ्रेंड्स गिव मी प्रेजेंट्स या गिफ्ट. ओके, ये दो सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिखा है, प्लीज ट्रांसलेट इट. ओके, होली के अवसर पर मैंने नए कपड़े खरीदे, धनतेरस के अवसर पर कृष्णा ने मोबाइल खरीदा. तो विद दिस आई एम कमिंग टू एन एंड, बेस्ट ऑफ लक.